भाजपा की पहली सूची में वसुंधरा खेमे के दो दिग्गजों का टिकट कटने के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़ा घमासान मचा हुआ है। जयपुर में इस घमासान का सबसे ज्यादा असर है, जो अभी थमने का नाम नहीं लेगा, बल्कि दूसरी लिस्ट में भी अगर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया तो वसुंधरा समर्थकों को फिर से तगड़ा झटका लग सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 8 सीटें जयपुर शहरी क्षेत्र में आती हैं। इन 8 सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। पार्टी की ओर से जारी की गई प्रत्याशियों की पहली सूची में विद्याधर नगर और झोटवाड़ा सीट पर पूर्व प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया गया है। विद्याधर नगर से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद और मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी के स्थान पर सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। उधर झोटवाड़ा में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह के स्थान पर लोकसभा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इन दो मजबूत सीटों पर नए प्रत्याशियों को मौका देने के बाद जयपुर शहर की 6 अन्य सीटों के प्रत्याशियों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि उन सीटों पर भी नए उम्मीदवारों को उतारे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। इन हालातों में राजे समर्थक अशोक लाहोटी भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। सांगानेर विधानसभा सीट से वर्तमान में अशोक लाहोटी विधायक हैं। वे वसुंधरा राजे समर्थक माने जाते हैं। पूर्व में लाहोटी सिविल लाइन्स विधानसभा सीट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पिछले चुनावों में भाजपा का गढ़ माने जाने वाली सांगानेर सीट से लाहोटी को मौका मिला था तो वे चुनाव जीत गए थे। जिस तरह से पार्टी ने जयपुर की दो मजबूत सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं, अब सांगानेर सीट पर भी प्रत्याशी बदले जाने की चर्चाओं ने लाहोटी की नींद उड़ा दी है और वे काफी असमंजस की स्थिति में हैं। सांगानेर विधानसभा सीट पर बीजेपी के कई दावेदार हैं। जैसा कि बीजेपी ने प्रत्याशी बदलने का मन बना लिया है, तो पूर्व महापौर विष्णु लाटा और वरिष्ठ पत्रकार रहे गोपाल शर्मा की उम्मीदें बढ़ गई हैं। गोपाल शर्मा ने पिछले लोकसभा चुनावों में भी टिकट की दावेदारी जताई थी। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा संघ के भी काफी नजदीकी हैं। ऐसे में उन्हें टिकट दिए जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। जयपुर नगर निगम के पूर्व महापौर रहे विष्णु लाटा भी टिकट की आस में हैं। उधर जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी को भी सांगानेर से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। जयपुर शहर के परकोटे की दो विधानसभा सीटों हवा महल और किशनपोल से भी प्रत्याशी बदले जाने की चर्चाएं हैं। किशनपोल से मोहनलाल गुप्ता पूर्व में विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनावों में गुप्ता चुनाव हार गए थे। इसी तरह हवा महल सीट पर भी पूर्व विधायक सुरेंद्र पारी के स्थान पर पार्टी नया चेहरा ढूंढ रही है। हालांकि इन दोनों सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में पार्टी हिंदूवादी छवि के मजबूत प्रत्याशी की तलाश कर रही है, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। आदर्श नगर विधानसभा सीट पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी पिछला चुनाव हार गए थे। परनामी वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों में से गिने जाते हैं। इस बार उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। आदर्श नगर में हिंदूवादी छवि और पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रवि नैयर का नाम चर्चाओं में है। समाज सेवी के रूप में रवि नैयर का बड़ा नाम है। राजा पार्क और आदर्श नगर में पंजाबी समाज के हजारों परिवारों में नैयर की अच्छी पकड़ है। सिविल लाइन्स विधानसभा सीट पर बीजेपी मजबूत प्रत्याशी की तलाश में जुटी है। पूर्व में इस सीट पर अरुण चतुर्वेदी विधायक रह चुके हैं। चतुर्वेदी ने साल 2013 के चुनाव में मोदी लहर के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास को हराया था, लेकिन साल 2018 के चुनाव में खाचरियावास ने चतुर्वेदी को 18,078 वोटों से हराकर हिसाब चुकता कर दिया। सिविल लाइन से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास मजबूत नेता हैं। ऐसे में बीजेपी जयपुर शहर के किसी बड़े नेता को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है, जो खाचरियावास को पटकनी दे सके।
यही नहीं, बीजेपी की टिकट बदलने के संकेतों के बाद मालवी नगर की सीट पर भी कालीचरण सराफ के टिकट पर संशय बना हुआ है। हालांकि सराफ मजबूत प्रत्याशी हैं और लगातार 4 बार चुनाव भी जीते हैं, लेकिन मालवी नगर सीट से इस बार सुमन शर्मा या अन्य किसी नेता को टिकट दिए जाने की संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है आगामी 2-3 दिन में बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी करने वाली है।